Hi guys, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ दो गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशंस जो कि काफ़ी अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए. अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो एक सर्टिफिकेशन मैं आपके लिए प्रोवाइड करने वाली हूँ और जो दूसरी सर्टिफिकेशन रहेगी वो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ले सकते हैं. दोनों की दोनों सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है. पूरी डिटेल्स के लिए आपको मैं यही कहूँगी, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. दोनों की दोनों सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और साथ ही में ये एक क्विज सर्टिफिकेशन रहेगी. किस तरह से आप इस क्विज को कंप्लीट कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, उन सभी से रिलेटेड डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी. सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं डेली बेसिस में आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आती हूँ जहाँ पर हम फ्री कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. फर्स्ट सर्टिफिकेशन आपको मिल रही है नेशनल लेवल ऑनलाइन क्विज ऑन इंजीनियरिंग वर्कशॉप. ये ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप देख सकते हैं भारत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से. ये बेसिकली क्विज ऑर्गेनाइज किया गया है फॉर स्किल असेसमेंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और वो भी कौन से, पर्टिकुलरली मैकेनिकल इंजीनियर्स. आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डिटेल्स जो पूछी जा रही है, दैट इज़ योर नेम, आप अपना कॉलेज मेंशन कर सकते हैं, डिपार्टमेंट मेंशन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर सिटी एंड स्टेट. साथ ही साथ आपको अपना रोल यहाँ पे मेंशन करना होगा, ईदर यू आर अ स्टूडेंट, अगर वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई प्रोफेसर है तो आप यहाँ पे अपना जो है वो अलग से रोल मेंशन कर सकते हैं. बाकी यहाँ पे मैं आपको बात बता देती हूँ कि आपका जो बाकी डिटेल्स है वो वेरीफाई नहीं होने वाली है, सिर्फ आप अपना जो ईमेल आईडी है वो सही से भरिए. बाकी आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी सही से दीजिए और ईमेल आईडी भी सही से दीजिए. नेक्स्ट आपके पास सेकेंड पॉइंट पे जो है वो आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा. सो मैं आपको यहाँ पे, आप जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट का तो मैं आंसर आपको दिखा ही चुकी हूँ, वैसे ही मैं सिमिलरली आपको पूरे क्विज का आंसर दिखाने वाली हूँ. तो आप साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. सो अभी मैं आपको ये पूरा क्विज कम्प्लीट करके दिखाऊँगी, उसके बाद हम सर्टिफिकेशन देखेंगे, देन हम अपने सेकेंड क्विज की तरफ चलेंगे. सो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, आपने देख लिया, मैंने आपको सारे आंसर्स दिखा दिए हैं. उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट के ऑप्शन के बाद आपको इस तरह से आपका स्कोर का ऑप्शन आने वाला है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड यही सेम पेज आपका भी खुल के आ जाएगा. अगर आपने ये क्विज पास किया होगा तो आपकी ईमेल आईडी पे आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा. सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाना चाहूँगी, कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलता है जो भारत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से है, और ये आप देख सकते हैं आपने अगर अपना क्विज जो है अच्छे से पास किया है तो यही सिमिलर सर्टिफिकेट आपको भी मिल जाएगा. सो ये तो रही हमारे फर्स्ट क्विज की बात, अब चलते हैं हमारे सेकंड क्विज की तरफ. सेकंड क्विज आपको मिल रहा है माई जीओवी मेरी सरकार की तरफ से. ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है. यहाँ पे मैं पहले भी आपको बहुत सारे क्विजेस की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ. यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं, स्पोर्ट्स का क्विज आया है, आप देख सकते हैं स्टार्ट ये हुआ है 10th ऑफ जून 2021 को और ये एंड होगा 10th ऑफ जुलाई 2021
2021 को. एग्जैक्टली वन मंथ तक ये क्विज चलने वाला है. क्वेश्चन अगर बात की जाए तो 5 क्वेश्चंस आपके रहेंगे और 60 सेकंड्स आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा टू कंप्लीट दिस क्विज. रिवॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो कैश रिवॉर्ड आपको मिलेगा अप टू 1000 rupees ईच ऑफ द टॉप 5 विनर्स. 5 विनर्स यहाँ पर चूज किए जाएंगे और हर एक विनर को 1000 rupees का कैश प्राइज मिलेगा. तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हमने क्विज कंप्लीट करना है. प्ले क्विज पे आप क्लिक कर दीजिए. पहले आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा. अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं. अगर अभी तक अकाउंट नहीं है तो सोशल अकाउंट के साथ लॉगिन कर लीजिए, साइनअप कर लीजिए. लॉगिन साइनअप प्रोसेस होने के बाद आप इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर क्विज से रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएगी. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉट क्विज जो है वो MyGOV मणिपुर की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है विद डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ताकि जितने जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनके स्पॉटिंग नॉलेज जो है वो चेक की जाए. अगर रिवॉर्ड्स के साथ साथ आप देख सकते हैं ई सर्टिफिकेशन तो सभी पार्टिसिपेंट्स को दिया ही जाएगा और जैसे मैंने आपको कहा कैश रिवॉर्ड मिलेगा 1000 तक का. विनर्स कैसे चूज़ किए जाएंगे वो आप टर्म्स एंड कंडीशंस में पढ़ सकते हैं. 5 क्वेश्चन 60 सेकंड में क्लियर करने होंगे. जो भी यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट सबसे फास्ट अपने आंसर्स दे देता है, कम टाइम में अपने आंसर्स दे देता है, उसको यहाँ पे विनर चूज़ कर लिया जाता है. इनकेस मल्टीपल पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके करेक्ट आंसर्स सेम हैं तो टाइमिंग नोट की जाती है कि सबसे कम टाइम यहाँ पर किसने लगाया है क्विज कम्प्लीट करने के लिए. सो यही आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा गया है. बस एक बार आपने जैसे अकाउंट यहाँ पे लॉगिन साइन अप कर लेंगे तो स्टार्ट क्विज का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा. स्टार्ट क्विज पे क्लिक करते ही आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा. 5 क्वेश्चंस के बाद आपके पास जो है वो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं. सो क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए और आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा. सो यू गाइस कैन सी कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आपको MyGOV मेरी सरकार की तरफ से मिल जाएगा. सो इन दोनों सर्टिफिकेशंस के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं. इनके डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. तो जाइए इन सर्टिफिकेट के लिए पार्टिसिपेट कीजिए. इन केस बीच में कोई प्रॉब्लम आती है सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आई होप आपको पसंद आई है और अगर आई है सो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सके. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.